अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम मैं भूल गया, सॉरी। जीशान भाई हमारे, तो जीशान भाई का यहाँ पर व्लॉग चल रहा है और अभी मुझे मालूम पड़ा है कि यूट्यूब पर बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स बनाते हैं। आप लोगों को वक्त मिले तो उनके व्लॉग्स देखिए और हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, नोटिफिकेशन भी ऑन किया। गेट बिल्कुल बंद हो चुका है, लोग गेट से कूद कूद के आ रहे हैं भाई। वो कह रहा है यार, कैसा महसूस कर रहे हैं ईसा खान आ रहे हैं यहाँ भाई? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, उनका भी मैसेज भी आया मेरे पास। तो भाई अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो, खैरियत से और खुश होंगे। साथ में आज मैं फिर से रेडी हो चुका हूँ। आपको मालूम होगा कि आज अंदाज का लास्ट दिन है। कल के दिन डिसाइड किया था कि आज के दिन क्या होने वाला है अंदाज में, इसके लिए जवान दिखाई जाएगी 12:30 के बाद थिएटर कॉमेडी ऑडिटोरियम में, और देखते हैं आज भीड़ लगती है नहीं। कल लोग बहुत कम थे, आज शायद बहुत ज्यादा होंगे। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आ रहा है, उसका नाम है ईसा खान, वो भी पहले मैंने कल आपको बता दिया था, लेकिन वो आज आने वाले हैं। उनके लिए वेलकम किया जाएगा यहाँ पे खासकर स्पेशल गेस्ट, और चल के देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अभी फिलहाल 10:30 होने वाले हैं और हमको 10 बजे बुलाया गया था, मैं भी लेट हो चुका हूँ और तैयार भी लेट हुआ। वो घर से आ गए हैं जिनका आज भी इंतजार था। हाँ जा रहा हूँ, आज मौसम भी बहुत अच्छा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है। आज फिर से मौसम एकदम साफ है और धूप लग चुकी है बहुत अच्छी। दो दिन से बाजार कर रहे थे, दो दिन से बारिश हुई है माशाल्लाह, फिर भी मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है, एकदम नॉर्मल हो चुका है। सो आज सेंटिनरी गेट बिल्कुल बंद हो चुका है, लोग गेट से कूद कूद के आ रहे हैं भाई। वो कह रहा है यार, तो आज फिर कनेडी आ चुका हूँ, आज लास्ट अंदाज डे है, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी तो मैं पहुँच गया हूँ, टाइम भी बहुत था लेकिन अभी टीम नहीं आई है इतनी, और चलते हैं देखते हैं कौन कौन आया। भीड़ बहुत कम है, भीड़ भी गेट बंद हो चुका है। सेंटिनरी टीम आधी आ गई है, अभी आने को बाकी हैं, सब धीरे धीरे आ रहे हैं। और आयान भाई कौन सी स्ट्रीट ले रहे हो? अच्छा वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हाँ पहले ले रहा हूँ नकवी भाई। कैसे मुँह छो आप कर रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं ईसा खान आ रहे हैं यहाँ? भाई मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, उनका भी मैसेज भी आया मेरे पास, तो भाई इससे ज़्यादा प्राउड मुझे क्या ही होगा। तो उनके आते हुए आप कैसा वेलकम करेंगे उनका? भाई अभी जा रहा हूँ बस अपनी गाड़ी उठाऊंगा उन्हें लेने के लिए। बहुत ज़बरदस्त, और आप बताइए भाई आपको कैसा फील हो रहा है उनके आने का? 4 बजे आ रहे हैं वैसे अभी टाइम बहुत। ज़रूर इंशाल्लाह उनका स्वागत धूमधाम से करा जाएगा, उनकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी इंशाल्लाह। ये बताइए क्या मुझे उनके आते हुए इस ब्लॉग में उनका इस्तकबाल कैसे करना चाहिए, मतलब उनका वेलकम कैसे करना चाहिए? नॉर्मल रहें, हाँ। उसमें ज़्यादा हम लोगों को अपनी तहजीब से उनको आपको भी इस ब्लॉग में दिखाएंगे, आप ज़रूर एंड तक देखिए। अच्छे तरीके से और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट भी बंद है, पता नहीं खुल गई होगी शायद, अब लोग आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है धीरे धीरे। तो हाय दोस्तों, मुझे उनका रिप्लाई आया ईसा खान का, पहली बार मुझे कभी यकीन ना हुआ कि उनका रिप्लाई भी आएगा। हम इनका वेट कर रहे हैं, हमने उनकी स्टोरी लगा रखी थी उनको वेलकम करने की, और आज वो आ रहे हैं, तो उन्होंने रिप्लाई भी किया हमें, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर मैसेज किया है। अभी अलहमदिल्ला खैरियत से, आप बताएँ? हाँ हाँ पहुँच गया हूँ, आप कहाँ पे? हाँ बताओ बताओ। मैंने स्टोरी लगा के रखी थी इंस्टाग्राम में, वो मेरे को उनका रिप्लाई भी आया। हाँ
रश तो इतना नहीं है, इधर ही है कैनेडी हॉल में। ये भाई भी ईसा भाई के लिए पूछ रहे थे कि वो कब आ रहे हैं, उनका टाइम बता रहे थे, और ये भी कह रहे थे वो कहाँ पे है, लेकिन अभी तो उनका मुझे भी मालूम नहीं कहाँ पे होंगे, आ रहे होंगे कहीं रास्ते में। आज मैं ब्लॉग में भी उनको लेके आऊँगा, वेलकम करूँगा, तो आप भी ज़रूर देखिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनका इंतज़ार करते हुए, देखते हैं वो आते हैं कब तक आते हैं। फिर मुझे भूख लग चुकी है, मैं जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा हो गया ब्रेकफास्ट ख़त्म, और अभी जूस पीने गया था, कंटिन्यू में आ गया हूँ वापस। यहाँ बड़े आराम से देख रहे हो तुम फिल्म। पुराने जमाने के पंखे विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, धान भाई कुछ भी नहीं लगा। पूरा टेक्निकल का सिस्टम इधर लगा हुआ है भाई, आपका साथ हमेशा के लिए थामना चाहिए मुझे, क्योंकि आप मेरा साथ दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, हाँ आज इधर ही है। हाँ बड़ा भाई है, सुनो अब्दुल्ला भाई का ब्लॉग देखते नहीं? नहीं अब्दुल्ला भाई जरूर देखेंगे इंशाल्लाह, आज पता चल गया तो देखेंगे। भाई आज का व्लॉग देख लिया था ना रात को? अभी नहीं देखा। उसमें तो आपको इन्वॉल्व किया था, मतलब आप सामने आ गए ना एकदम। आपने बोला भाई मैंने आपका वीडियो देखा था, मैंने बोला पूरी शेयर सब। हाँ सब होगा इंशाल्लाह। सबको ज्ञान दे रहे हैं, पैसे नहीं है तो चुरा लो, कह रहे हैं पैसे नहीं है तो चुरा लो, चुरा के क्या करना है। 10 मिनट का ब्रेक लग चुका है यहाँ पे, अभी 10 मिनट के बाद ही शुरू होगा। यहाँ दूसरे ब्लॉगर साहब मेरे सामने आ गए, दो ब्लॉगर आपने सामने रब्ता हो रहा है सामने कैमरे पहली बार। यूट्यूब चैनल है जिशान इनोवेटर, और मेरा चैनल है फाद लेंस के नाम, भाई को सपोर्ट भाई 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 लेंस। हाँ सपोर्ट इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम भी बता दो अपना, दोनों फाद लेंस के नाम। हाँ दोनों साथ में ही है, और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप जरूर जाके इनको सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों हम लोग रास्ते में ईसा खान का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनका यहाँ वेलकम हो रहा है। चलो हमारा लिए सब लोग खड़े हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे फाद भाई भी और आप भी सब, यहाँ पे जितने भी फिल्म क्लब के मेंबर हैं उनका अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा, कहाँ से आ रहे होंगे ये हमें मालूम नहीं, रास्ते के बिल्कुल करीब ही है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम मैं भूल गया, सॉरी जिशान नाम है, जिशान भाई हमारे, तो जिशान भाई का यहाँ पर ब्लॉग चल रहा है, और अभी मुझे मालूम पड़ा है कि यूट्यूब पर बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स बनाते हैं, आप लोगों को वक्त मिले तो उनके ब्लॉग्स देखिए, और हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, नोटिफिकेशन भी ऑन किया, बिल्कुल सर। सफर अभी कुछ दिन पहले फॉर्म भर रहा था, उसमें
उसने एक बार पूछा कि जहाँ से 11th 12th के स्कूल का नाम क्या है, मैंने बोला प्लस टू है, प्लस टू तो बोलते हैं उसका नाम क्या है, बोला यार प्लस टू ही नाम है, क्योंकि अभी जो सैयद हामिद का बोर्ड शायद बाहर लगा हुआ है ना, पहले नहीं था, तो सब प्लस टू ही कहते थे किसी को, पहले वो वाला गेट भी था आपके टाइम में बहुत अकरिया वाला, बंद हो गया, बंद हो गया, और वहीं से दीवार की साइड पे करते हैं, अभी भी वहीं से कूदते हैं दीवार, शीशे लगा ले, जाली लगा ले, कुछ भी लगा ले भाई, मिंटो की दीवार से टूट जाता है, जमाल हॉस्टल में तू लोग सब जगह फिक्स में दीवार को देखो, तो मिंटो मिंटो वाले सबसे आगे जो इतना तजुर्बा है, और फिर मिंटो वाला कहीं मात नहीं खा सकता कहीं भी, मैंने ये चीज देखी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, किसी भी किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, YouTube पे लिंक भी डाल देता हूं, कब से आपको अचीव करने के लिए बहुत कुछ है ज़िंदगी में, तो बस आप कोशिश करें और इंशाल्लाह बाकी रब छोड़ दें। अरे ऐसा भाई जी, अगर स्टेज पे बोलूँगा चलेगा, है ना, क्योंकि स्टेज पे सब गाते होंगे इसमें, इस वजह से मैं वहाँ बोल रहा हूँ तीसरी बार जी 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 शुरू हो गया झूले करके, अरे वो बड़ा एनर्जेटिक यहाँ पर आई एम श्योर, अगर बहुत सारे लोग ट्रैवल के शौकीन आया करते हैं तो उनको मैं एज अ टिप भी बताना चाहूँगा ये कि ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान ने ज़्यादा ट्रैवल किया है ये भी मोर कंफर्टेबल गोइंग टू यू नो हायर रेंजेस। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा ट्रैवल किया हुआ है, बट मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि मैं जब भी एलिवेशन गेन करता हूँ द मोमेंट आई क्रॉस 4000 मीटर्स माई बॉडी विल स्टार्ट गिविंग होती है आपके अंदर, आप सोचते हो किसी तरीके से वक्त कट जाए। लकीली उस दिन क्या हुआ था, जब हम मधुमेश्वर चढ़ रहे थे आपको ये भी पता नहीं चलेगा आपको जाना कहाँ पर है, एकदम से ओले गिरना शुरू हो गए, आई वॉज सो टायर्ड, मेरे रक्सेक था शोल्डर्स पे, मैंने ऐसे ही रक्सेक, सो आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ऐसा नहीं है कि 4000 मीटर पे जाओगे तभी AMS हिट करेगा, देयर हैव बीन केसेस जहां पर AMS की वजह से डेथ भी हुए, सो ऐसा नहीं है 2500-3000 पर भी AMS हिट कर सकता है, लाइटली नहीं लेना चाहिए चीजों को। मैंने क्या गलती करी मैं आपको एंड में बताऊंगा। मैं जैसे ही खड़ा हुआ एकदम से आई फील कि मुझे बहुत तेज चक्कर है, एंड आई सेड मैं नहीं चलता। The first point was, as there was no one on the trail except, you know, the two of us, मुझे ये मालूम नहीं था मुझे और कितना दूर जाना है। So, आपको मालूम है मुझे 15 मिनट चलना है, आप एफर्ट मान लोगे। आपको मालूम है कि मुझे 1 घंटा चलना है, 2 घंटा चलना है, 5 और दूसरा 7200 F2.8 अगेन वो भी RF माउंट वाला ही। इसके अलावा मैं एक आई यूज्ड टू बी अ वेरी इंपेशिएंट पर्सन, आज मेहनत किया सुबह रिजल्ट चाहिए, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि रात में मेहनत किया सुबह रिजल्ट चाहिए, नहीं मिला डिमोटिवेट हो गए। सो बच्चों ने मेरे को पेशेंस तो सिखा दिया कि पूरे साल मेहनत करो, नॉट एज अ फ्लॉ। किसी का कोई भी सवाल हो आप थोड़ा बेटर हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ यार। तो हम तीनों को पिक्चर देखने का बहुत शौक था, तो ऐसा कोई मतलब हॉल नहीं था और ऐसी कोई मूवी नहीं थी, मतलब हम लोगों का स्ट्रिक्ट था, हमने दिन में मेरी मैक्सिमम 3 है, हमने शुरू 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 का शो, और वो भी लास्ट वाला शो ग्रैंड सर्किट में खत्म किया था। तो हम लोगों को पिक्चर देखने का बहुत शौक था, तो हम मिंटो से हम भी मिंटो से ही। मेरा नाम नजीब रहमान है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूँ। तो सर से मेरा सवाल ये था कि सर जो बता रहे थे कि मेरा दिल टूटा है मोहब्बत में, तो मैं इनसे यही पूछूंगा कि फिर जब दिल टूटा है तो मोहब्बत के बारे में आप कुछ राय बताएं, हमें इसके बारे में आपने टूटा कभी बताइए यार, अच्छी चीज है, मुझे लगता है जिंदगी में एक दफा तो करके देखना चाहिए, टूटे या नहीं टूटे दिल, तजुर्बा होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। और इसमें थोड़ा सीरियस होकर बोलूँ, मजाक चल रहा है, सीरियस होकर बोलूँ, मेरा जिंदगी में एक उसूल है, मैं एक चीज मानता हूँ।